दोस्तों, जिस व्यक्ति में अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टेलीविजन एक्टर की जिनके हौसले ने उनके हर सपने को हकीकत में बदल दिया, उनका पूरा जीवन ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं मयूर वर्मा की, जिन्हें टेलीविजन इंडस्ट्री ने सर आंखों पर बैठा लिया, लोगों ने अपने दिलों में उतार लिया। तो चलिए आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करते हैं बिग बॉस ओटीटी के पॉपुलर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मयूर वर्मा की लाइफ के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप भी अगर मयूर वर्मा को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आने वाली अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मयूर वर्मा की अर्ली लाइफ के बारे में। तो मयूर का जन्म लुधियाना पंजाब में 6 अक्टूबर 1991 को एक मिडिल क्लास हिंदू फैमिली में हुआ। मयूर भारतीय विद्या मंदिर स्कूल लुधियाना से अपनी स्कूलिंग एवं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक्टिंग करियर के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए, जहां उनके खूबसूरत लुक और पर्सनैलिटी की वजह से मॉडलिंग ऑफर आने लगे। परिणाम स्वरूप मयूर एक मॉडल एवं एक्टर बन गए, जिन्हें आजकल आप इंडियन टेलीविजन रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी में भी परफॉर्म करते देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मयूर वर्मा के करियर के बारे में। तो मुंबई में रहते हुए मयूर की पंजाबी में अच्छी कमांड होने की वजह से बिंदास टीवी के शो इमोशनल अत्याचार से मयूर को टेलीविजन डेब्यू करने का अवसर मिला। हालांकि उन्हें पहचान बालाजी टेलीफिल्म्स के शो क्या हुआ तेरा वादा और बहुत अच्छे लगते हैं से मिली, जिन्हें बाद में सीआईडी और आहट में भी एक्टिंग करने का अवसर मिला। परिणाम स्वरूप मयूर को सब टीवी के सीरियल जैनी और जूजू से हग पॉपुलरिटी मिली, जहां वह बन्नी के कैरेक्टर में नजर आए। जैनी और जूजू एक बहुत ही सक्सेसफुल सीरियल था और मयूर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी ऑडियंस ने काफी पसंद किया। सीरियल में उनकी एक्टिंग को देखने के बाद लगने लगा मयूर एक फ्यूचर स्टार एक्टर है। मगर जी टीवी के सीरियल जाबान सिंध बाद में पठान का रोल करने के बाद से ही सभी जानते हैं मयूर की पॉपुलरिटी कहां से कहां पहुंच गई। मयूर को सीरियल सवरांगनी जोड़े रिश्तों के सुर में आप सब ने उन्हें कार्तिक मल्होत्रा के रोल में एक्टिंग करते हुए देखा। इस सीरियल के बाद से ही मयूर का करियर राइज पर है, जिन्हें उनके फैंस द्वारा कलर टीवी के डेटिंग रियलिटी शो मुझसे शादी करो में देखने के बाद रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी में भी देखना ऑडियंस को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं मयूर की पर्सनल लाइफ के बारे में। तो फैमिली और मीडिया के बीच दूरी बनाकर रखने वाले मयूर की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो मयूर ने एक्ट्रेस एवं मॉडल मरीना कुंवर को लंबे समय तक डेट किया। माना जा रहा था दोनों रिलेशनशिप को डिस्क्लोज कर शादी कर लेंगे, मगर 2015 में दोनों का ब्रेकअप हो गया और रिलेशनशिप टूट गई, जिसके बाद मयूर का 100% अपने करियर पर फोकस है, इसलिए वह सिंगल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मयूर के घर और कार कलेक्शन के बारे में। तो मयूर अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई में एक शानदार अपार्टमेंट में रहते हैं, जिनकी एस्टिमेट कॉस्ट है 5 करोड़ रुपए, जिन्हें लग्जरी कार रखने का बेहद शौक है। मयूर के पास एक टॉप मॉडल मर्सिडीज कार है जिसकी कीमत 45 लाख रुपए एवं उनके पास टॉप मॉडल मर्सिडीज एस क्लास 350 भी है, जिसकी कॉस्ट 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। इसके अलावा बाइक राइडिंग के शौकीन मयूर के पास हार्ले डेविडसन बाइक भी है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मयूर की इनकम और नेटवर्थ के बारे में। तो मयूर अपने सीरियल में काम करने के पर एपिसोड 45 से 50 हजार तक चार्ज करते हैं, जो ब्रांड एंडोर्समेंट एवं फिल्म प्रोडक्शन के साथ साथ उनका प्राइम अर्निंग रिसोर्स है, जिनकी 2021 में नेटवर्थ ऑलमोस्ट $10 मिलियन है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मयूर की एक्स्ट्रा एक्टिविटी के बारे में। तो बॉलीवुड और टेलीविजन के दूसरे एक्टर्स की तरह मयूर को भी घूमना फिरना बेहद पसंद है। जब भी उनके पास समय होता है मयूर सेंट लूसिया और लाटविया जैसे अपने फेवरेट डेस्टिनेशन पर छुट्टियां मनाते और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आते हैं। तो फ्रेंड, दैट्स एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आप मयूर वर्मा के फैन है तो इस वीडियो को कर दो लाइक और साथ ही साथ कर दो अपने दोस्तों के साथ शेयर, और हमें कमेंट्स करके बताओ नेक्स्ट वीडियो आप किस सेलेब्स पर देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।